सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। अज दोपहर नूं नहीं चलेगा पंजाब च इंटरनेट। जारी होए नवे हुक्म, इंटरनेट उत्ते पाबंदी होर वधाई। मंगलवार 12 बजे तक बंद रहणगियां सेवावां। एमपी मान का ट्विटर अकाउंट बंद। सिमरजीत मान का ट्विटर अकाउंट टैंपररी तौर पर किया गया बंद। अमृतपाल की गिरफ्तारी का कर रहे सन विरोध। अमृतपाल के चार साथी आसाम की डिब्रूगढ़ जेल च बंद। अमृतपाल के फरार होने की वीडियो आई सामने। पुलिस ने चकमा देकर होया सी फरार। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब सरकार ने पंजाब विच बंद कीती मोबाइल इंटरनेट ते एसएमएस सेवावां उत्ते पाबंदी 24 घंटे होर वधाउंदियां मंगलवार दुपहर तक मुअत्तल कर दित्तियां ने। जारी होए ताज़ा हुक्मां अनुसार हुण इंटरनेट सेवा 21 मार्च दुपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि ब्रॉडबैंड सेवावां मुअत्तल नहीं कीतियां गईयां ने तां जो बैंकिंग सहूलतां, हस्पताल सेवावां अते होर जरूरी सेवावां ते कोई असर ना पवे। उधर पंजाब पुलिस की कार्रवाई मगरों फरार होए वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह नूं भगौड़ा करार दिंदे उसकी भाल जारी है। पुलिस ने अमृतपाल के 34 होर समर्थकों नूं गिरफ्तार किया है ते हुण तक पुलिस ने 112 कारकुनां नूं गिरफ्तार कर लिया। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान ते संगरूर तो संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। हालांकि इस दे कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है। पार्टी के सीनियर आगू गोपाल सिंह ने कहा कि संसद मैंबर का ट्विटर अकाउंट बंद करना गैर जमहूरीयत है। उन्होंने कहा कि जे संसद मैंबर के ही अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे तो लोगों की आवाज़ कौन चुकेगा। इस मुद्दे को मान लोग सभा भी चुकनगे। दस दिए कि सिमरनजीत सिंह मान वालों अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी उत्ते सवाल चुके जा रहे सन। इस कारण नूं भी ट्विटर बंद करन दे फैसले दे नाल जोड़िया जा रहा। पंजाब पुलिस की कार्रवाई मगरों फरार होए वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह नूं भगौड़ा करार दिंदे उसकी भाल जारी है। हुण अमृतपाल के फरार होने समय की एक होर वीडियो सामने आई है। वीडियो में अमृतपाल ते उसके साथी गड्डियां विच फरार होंदे वेखे जा सकते हैं। एक होर वीडियो विच गड्डी विचों कोई शख्स एक घर अगे हेठां उतरदा है ते काफला अगे वधदा है। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल सिंह ते उसके कुछ समर्थकों खिलाफ गैर कानूनी ढंग नाल हथियार रखण दे नवे केस दर्ज किए ने। इस तो पहला पुलिस ने जनाला कांड लिए अमृतपाल सिंह ते उसके समर्थकों खिलाफ FIR दर्ज की थी। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह के चार साथियों आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में छड़ दिया है। अमृतसर के SSP दिहाती तेजवीर सिंह हुंदल की अगवाई में पंजाब पुलिस की 27 मैंबरी टीम इन्हां चारों भारतीय हवाई फौज के विशेष जहाज राही अमृतसर तो आसाम लैके गई, जिथे जिले के डिप्टी कमिश्नर ते SSP ने हवाई अड्डे से उन्होंने रिसीव किया। फिर भारी सुरक्षा हेठ इन्हां चारों डिब्रूगढ़ जेल में जाके बंद कर दिया गया। इन्हां चारों में वारिस पंजाब के जथेबंदी का फाइनांसर ते फिल्मी एक्टर दलजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह ते प्रधानमंत्री बाजे के शामिल। पाकिस्तान के मनुखी अधिकार कमिशन ने पाकिस्तानी फौज और पुलिस को कटहरे च खड़ा करने का हुक्म जारी किया। इस नूं लैके पाकिस्तान च नवा विवाद शुरू हो गया। सरहद पारले सूत्रा मुताबिक पाकिस्तान मनुखी अधिकार कमिशन की चेयरपर्सन हीना गिलानी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सवात इलाके विच फौज ते पुलिस वालों बनाए गए गैर कानूनी पुछगिछ केंद्रां ते गैर कानूनी जेलां नूं बंद करन ते इमारतां खाली करन दा हुक्म जारी किया है। स्कूलां ते कालजां नूं तुरंत विद्यक संस्थावां नूं सौंपण लई कहा है। हीना गिलानी ने अपने हुक्मां च कहा है कि मनुखी अधिकारां दी राखी करना कमिशन दा मुख उद्देश है ते गैर कानूनी जेलां ते तसीहे केंद्र बना के लोगों नूं उत्थे रखना किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा गैर कानूनी जेलां नूं तुरंत बंद करन ते इन्हां जेलां च बंद लोगों नूं तुरंत रिहा करन दे
हुक्म दिए ने। उसने दोष लाया कि मेरे इस हुक्म कारण पाकिस्तानी फौज मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है पर मैनू इस दी कोई परवाह नहीं है। दूजे पासे पाकिस्तानी फौज के उच्च अधिकारियों ने हीना गिलानी के दोष लाउंदिया कहा कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है तो बिना किसी ठोस सबूत के दोष लगा रही है। साल 2024 दिया लोकसभा चोणां नूं लै के हुण तो ही बयानबाजी तेज हो गई है। पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने तीजे मोर्चे की कवायद तेज कर दी है। इस दे मद्देनजर ममता बैनर्जी ने राहुल गांधी की अगुवाई नूं लै के वड्डा बयान दिता है। ममता ने कहा कि जे राहुल गांधी विरोधी धिर का चेहरा बने तो प्रधानमंत्री मोदी नूं हराउणा मुश्किल होगा, भाजपा नूं कोई हरा नहीं सकता। ममता बैनर्जी अपने साथियों नाल बैठक कर रहे सन। बैठक च ममता ने राहुल गांधी की लीडरशिप से भी सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि भाजपा नूं पता है कि जेकर राहुल गांधी नूं विरोधी धिर का नेता बना के रखा गया तो मोदी नूं कोई खराब नहीं कर सकेगा। सूबे में अमृतपाल नूं लैके चल रहे सर्च ऑपरेशन दे चलदियां ते लोकां दे जान माल दी राखी लई पंजाब पुलिस वल्लों सूबे भर विच फ्लैग मार्च कढ़े जा रहे ने। इस दे चलदियां फिरोजपुर पुलिस ने शहर विच अमन कानून दी व्यवस्था नूं बरकरार रखण लई पुलिस टुकड़ी नूं नाल लैके फ्लैग मार्च कढ़िया। नाल ही सरहदी इलाका होण दे कारण शहर विच चौकसी भी वधा दित्ती गई है ते पुलिस ने लोकां नूं सहयोग देण दी अपील कीती। माननीय डी जी पी साहब दी हदायतों से पंजाब दे विच लॉ ऑर्डर की स्थिति में बरकरार रखने लई लोगों में सेफ्टी सिक्योरिटी की भावना कायम रखने लई ये फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा है। ये असं आम पब्लिक में सुनेहा देना चाहते हैं कि उन्होंने किसी भी हालात में कोई घबराने की लड़ नहीं है, पुलिस थोड़े नाल है। जो कोई माड़े अंसर कोई ऐसी करतूत करने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 100 तो भी दे करीब पुलिस स्टाफ BSF PCR वगैरह तो लैके असं फ्लैग मार्च कढ़ रहे हैं। लुधियाना बस अड्डे नेड़े मिड्डा चौंक ते नाइजीरियन विद्यार्थियों ने हंगामा कर दिता। तेज रफ्तार कार च सवार ते नाइजीरियन ने पहला तो गड्डी फुटपाथ ते चढ़ा दी, फिर जो गड्डी नहीं रुकी तो उन्होंने परिवार नाल जा रही एक होर कार सवार विच अपनी गड्डी मार दी। इस दौरान जदों कार सवार शक्ति नगर के रहने वाले मोहित ने नाइजीरियन का विरोध किया तो उस नाल बदतमीजी से उतर आए। इस दौरान चौंक च रौला पै गया तो आस पास के लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों की भीड़ जमा होंगी देख नाइजीरियन ने भजन की कोशिश की पर समा रेंदे लोगों ने उन्होंने फड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के माहौल नूं लैके चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती वरतदिया अहम फैसला लिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 19 मई तक धारा 144 लगा दी है। सैक्टर 25 स्थित ग्राउंड तो बिना होर थान ते रैली ते रोस मुजहरे करन ते पाबंदी रहेगी। इस ग्राउंड च रैली ते धरना मुजहरा करन लई भी प्रशासन तो मंजूरी लैनी पवेगी। शहर च 5 व्यक्तियों तो वादे इकट्ठे होण ते पाबंदी है। दस दिए कि प्रशासन नूं सूचनावां मिल रही सन कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन करके शांति भंग करन दी कोशिश कर सकते हैं ते इसे कारण ही धारा 144 लागू की गई है। यह हुक्म पुलिस पैरामिलिट्री ते सरकारी कर्मचारियों ते कामकाज दौरान लागू नहीं होंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी खेतर च हथियार रखने ते रोक लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर वालों अगले 60 दिनों लिए हुक्म जारी किए गए ने। DC ने कहा कि हथियारों का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शांति भंग करन दे नाल ही लोगों की जान लई भी खतरा ने। बटाला च तेज रफ्तार ने एक 20 साल नौजवान की जान ले ली है। जानकारी अनुसार बटाला वालों आ रही स्कॉर्पियो ते तेज रफ्तार नाल आ रहे मोटरसाइकिल की हुई आमो सामने टक्कर दौरान मोटरसाइकिल सवार नौजवान स्वरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उत्थे ही पुलिस वालों मौके पर पहुंच के मृतक की लाश को पोस्टमार्टम लिए बटाला हस्पताल भेजा गया तो उसके परिवार को सूचित कर दिया गया। 5 बजे ना सवर्ण सिंह संभव अवतार सिंह चाह गिल का लड़का सीगा 20 साल की उम्र ये मोटरसाइकिल पर जा रहा सीगा बटाले नूं ते बटाले वालों एक स्कॉर्पियो गड्डी आ रही सीगी वो गड्डी दे विच नाल लग के ते एक्सीडेंट होने कारण दी मौके ते मौत हो गई है। यदि डेड बॉडी होस्पिटल रखाई है ये वारस जिहड़े आ वो आप आ रहे माता पिता की पहला मौत हो चुकी है
तो ये वारस जो आ रहे इन्होंने पिंड मैसेज भेजे वो आ जाते हैं तो उतो जो भी बयान लिख के जो भी कानूनी कार्रवाई अमल लिया जा रही। सरकारी स्कूलों च पढ़ रहे अठवीं क्लास तक के विद्यार्थियों दोपहर के खाने के रूप में मिड डे मील मुहैया करवाया जाता है। कई स्कूलों मिड डे मील बनाने दौरान उठन वाले धुएं बच्चों की सेहत पर पैन वाले प्रभाव को लेकर सिक्ख्या विभाग वालों सख्त नोटिस लिया गया। पंजाब मिड डे मील सोसायटी वालों जारी एक पत्र च कहा गया है कि ज्यादातर स्कूलों में मिड डे मील खुले च बनाया जाता है जिस कारण सारे स्कूल च धुआं फैल जाता है जो विद्यार्थियों की सेहत पर बुरा असर पाता है। मिड डे मील लिए गैस सिलेंडर की वरतों लिए सारे जिला सिक्ख्या अधिकारियों निर्देश दिए गए हैं कि मिड डे मील बनाने लिए गैस सिलेंडर की वो वरतों कर संबंधी स्कूलों निर्देश जारी कर क्योंकि गैस सिलेंडर लिए स्कूलों फंड मुहैया करवाए गए हैं जिस तो असी यह अंदाजा लगा सकते हाँ कि स्कूल प्रशासन इन्हों सिलेंडर की वरतों अपने निजी हितों की पूर्ति नहीं कर रहा जिस से सरकार को सख्ती दिखाद्या एक्शन लैन की लोड़। सेहत मंत्री पंजाब डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतपाल के मामले से बोलदे कहा कि यह जांच का विषय है कि अमृतपाल नूं कौन लिया रहा है ते इसनूं फंडिंग कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस वधिया काम कर रही है फिर भी ड्रोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हां दा काम एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में विरोधियों से शिकंजा कसन वाले गुंडियां नूं फड़ना। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह अपने आप नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जदों भी अमृतपाल फड़िया जाएगा तो उच्च पुलिस अधिकारी उन्होंने खुद सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इन्हां गुंडियां नूं फड़न च लगी हुई है। उन्होंने लोगों नूं शांति बना के रखने की अपील की है। अमृतसर के गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थन डॉक्टर पंपोश को इंसाफ दवाने ते श्रद्धांजलि भेंट करने लिए बहुजन समाज पार्टी वालों बुढ़लाडा शहर अंदर कैंडल मार्च कढ़िया गया जो डॉक्टर अंबेडकर चौंक तो शुरू होकर रेलवे स्टेशन से जाके समाप्त होया। बसपा अगुवां ने सरकार तो मांग की कि परिवार की मांग अनुसार मामले की CBI जांच करवाई जाए तो दोषियों को बनती सजा दी जाए। बड़ी नेक दिल इंसान सी हसमुख कुड़ी सी वो साढ़े विच नहीं रही। डॉक्टर पंपोश कोश जिहड़ी गुरुआं दा नाम ते कालज आ जिहड़े गुरुआं ने सारा वंश जाति दे खिलाफ वारिया सब नू बराबर दे अधिकार लैके दिते मानस की जात सभे एक पहचान वो दा लोकां नू सुनेहा दिता। गुरु रामदास कालज अमृतसर दे विच MBBS कर रही साड़ी भैन डॉक्टर पंपोश कोश नूं इन्ना जाति तौर पर जलील किया इन्ना उत्थों दी कॉलेज जिहड़ी मैनेजमेंट सी उन्होंने इत्थों तक कि डीन विच बिचे प्रोफेसर लग के उन्हूं जलील करदे उन्हूं जाति तौर पर। वह कुड़ी का सुपना सी कि मैं IAS बनना चाहनी हाँ IAS बन के मैं समाज की सेवा करनी चाहनी। देखो कुड़ी का फादर भी उहदे सिर ते नहीं सी नाना उहदी पढ़ाई करा रहा सी ते कुड़ी दे 95%, 96%, 98% नंबर आउंदे सी बड़ी काबिल साड़ी धी सी। उत्थों दी मैनेजमेंट ने इन्ना हरासमेंट किया ते FIR जिहड़ी दर्ज हुई है वह 10 व्यक्तियों ते हुई है कि उन्हूं मजबूर किया गया मरन लई। अमृतसर विखे शहीदगंज बाबा दीप सिंह विखे पार्किंग लंगर हाल की बन रही नवी इमारत की दूजी मंजिल का लेंटर पाया गया। इस मौके श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामबी संपर्दा कार सभा के मुखी बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह भूरी वाले तो इलावा श्रोमणी कमेटी के मौजूद रहे मैंबर ने पत्रकार गल करदे बाबा कश्मीर सिंह भूरी वाले ने कहा कि श्री दरबार साहब के शहीदगंज बाबा दीप सिंह विखे दर्शन करने लिए आई संगत को पार्किंग की बहुत दिक्कत आ रही थी। इसे मुश्किल के हल श्रोमणी कमेटी के सहयोग नाल पार्किंग तैयार की जा रही है इस संगत भी पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने इस मौके बोलते हुए श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी बाबा भूरी वाला वालों करवाई जा रही सेवा कार्यों की शलाघा की। पिछले समय तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पावन अस्थान गुरद्वारा शहीदगंज शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी की जी कार सेवा वा वो संपर्दाय कार सेवा पूरी वालिया नू दिती गई आ। सेवा दे कार्ज जेड़े ने निरंतर जारी ने चल रहे ने काफ़ी वड्डा प्रोजेक्ट है जिदे विच बहुत सारिया इमारतां खरीद के फिर 3 मंजिला कार पार्किंग फिर 4 मंजिला उपर लंगर हाल की जिहड़ी आ इमारत बननी आ। पड़ा दर पड़ा सेवा जिहड़ी आ वो चल रही आ। अज हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।